Hello students, myself Daisy Jose from St. Thomas Higher Secondary School. Children, I hope you are all fine. आज के जीके के वीडियो में मैं आपको बॉडी पार्ट्स बताऊंगी, अपने शरीर में कितने बॉडी पार्ट्स होता है। कल ऑनलाइन क्लास में आपको ये बॉडी पार्ट्स मैंने समझाए थे, लेकिन सभी को समझ में नहीं आया और समझ में नहीं आया होगा, और सभी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं किया है। जो बच्चे ने अटेंड नहीं किया वो बच्चे इसमें ध्यान से देखिए। बॉडी पार्ट्स, बॉडी मतलब हमारा शरीर। ये देखिए माय बॉडी, मेरा बॉडी। ये सबसे पहले आप देखिए, ये क्या होता है? ये पूरा हेड होता है, हेड, सिर। ये सिर होता है और उसमें फेस आता है, नेक आता है, ये सब बाकी सब इधर से लेके केवल हेड का अभी देख लिए। हेड में क्या क्या होता है इधर देखिए, ये पूरा हेड का पिक्चर दिया हुआ है इसमें। इसमें देखिए फोर हेड हमारा ये वाले ऐसा लाइन देखा होगा ना अपने, काला कलर का वो दिया है। और ये काला कलर का क्या है? हेयर, बाल, हेयर। और आपका आईज कहाँ है? आईज किधर है? आंख है, ये दो आंख है, ये देख लिया होगा ना, अच्छी सुंदर दो आंखें दिया है। और ये क्या होता है? नोस, नाक, नोस। ये चीक, ये वाला चीक, गाल। और ये टंग, टंग क्या होता है? जीफान, जीफान, टंग। और चिन, ये देख लिया, ये टंग के नीचे का पार्ट है चिन। और लिप्स, लिप्स क्या होता है? ये दोनों लिप्स, ये हम मुंह बंद करते हैं तो दो ऊपर और नीचे दो दिखते हो लिप्स से। और टीथ, टीथ क्या होता है? दांत, ये सफेद कलर का दिख रहे दांत। और ईयर, ईयर क्या होता है? कान, है ना, ईयर, कान। अब फिर से देख लिए, सबसे पहले ये हेड का पिक्चर है, हेड गले के ऊपर मतलब नेक के ऊपर जो है वो पूरा हेड में होता है, हेड। और सबसे पहले होता है हेयर, बाल, ये काला कलर का बाल। हेड, हेयर, नोस, आईज, ईयर्स, टीथ, टंग, चिन, चीक, आईज, फोर हेड। हेड के सबसे पहले ये वाला भाग है, ये इसको हिंदी में क्या बोलता है, ये वाला भाग। लड़कियां बिंदी वगैरह लगाते हैं ना, वो जगह है फोरहेड, ठीक है। इसमें जो सारे आपको वो वाला याद करना है, आईज, नोज, टंग, टीथ, लिप्स, ईयर्स, ये फाइव फाइव करे तो आपको पूरा अगर याद नहीं रहता है तो फाइव पार्ट्स याद करे तो भी चलेगा, पूरा करना है। जिनके पास किताब है वो बच्चे उसमें उंगली लगा लगा के मम्मी के पास बैठ के आपको करना है, बाकी बच्चे वीडियो में देखे पूरा याद करना। अगर पूरा अगर आपसे याद नहीं रहता है तो आपको फाइव जरूर याद करना है, ओके। इसके बाद ये बॉडी पार्ट्स, इसमें बहुत सारा है। पहले इधर केवल हेड में क्या क्या है वो समझाई थी, अभी आप बाकी भी है। ये देखिए शोल्डर, शोल्डर, ये वाला शोल्डर। और ये पेड़ के इधर है बेल्ली, ये देख लिए पैर में टिक। और हैंड, आर्म, चेस्ट, नी, एंकल, फुट, फुट, ये वाला फुट, इसमें हम चप्पल पहनते हैं, फुट वियर बोलते हैं ना, फुट, फुट वियर। और लेग, ये पूरा पैर बोलते उधर टिक। बेल्ली, शोल्डर, नेक, हेड, फेस, चेस्ट, आर्म, हैंड, नी, एंकल, ठीक है। तो फिर से एक बार और देखिए, फेस में क्या क्या होता है? फेस में इधर से भी ज्यादा फेस में होता है अलग अलग चीज, आईज, नोज। ये वीडियो में जो शब्द, जो वर्ड्स आप सुनेगा ना, आपको उंगली लगा कर देखने, मम्मी को दिखाना आईज किधर है ना, आईज, नोज, टंग, टीथ, लिप्स, माउथ, चिन, फोरहेड, हेयर, ईयर्स, इतना। और ये वाला भी, इसमें जो सारे आपको
हैंड्स लेग्स ऐसा वाला आपको, या चेस्ट स्टोमक, स्टोमक इसमें ऐसा लिखा नहीं है, बेल्ली उधर ऐसा लिखा है स्टोमक। स्टोमक मतलब पेट होता है, पेट स्टोमक, हम जो खाना खाते हैं ना पेट में चले जाता है, पेट में चले जाते हैं, पेट स्टोमक। फिर से देखिए, हेड नेक शोल्डर बेल्ली थिक लेग फुट एंकल नी हैंड आर्म चेस्ट, बाकी पूरा फेस का अलग से आपको करवाई थी। अभी आप ये देखिए माय फैमिली, ये भी आपको ऑनलाइन में दिया था लेकिन सभी ने नहीं सुना होगा, बहुत कम बच्चे थे। माय फैमिली, माय फैमिली मतलब मेरा परिवार। आपका परिवार में कौन कौन रहता है? किसी किसी के घर पे दादा दादी और किसी के घर पे नाना नानी रहते हैं, लेकिन पापा मम्मी जरूर रहते होंगे। पापा दादा दादी दादा दादी नाना नानी फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये सब मिला के ये वाला देख लिया, दादा दादी ठीक है, नहीं तो नाना नानी, किसी के घर पे चाचा चाची काका काकी सब रहते हैं जॉइंट फैमिली में, लेकिन अधिकतर तो पापा मम्मी दादा दादी और दो एक दो बच्चे भी रहते होंगे फैमिली में। ये देखिए आप, दादाजी को बोलते हैं और नाना जी को, दोनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। दादी और नानी दोनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। दादा दादी नाना नानी ठीक है। और अभी ये देखिए कौन लगता है आपको, पापा मम्मी ठीक है, फादर मदर, और भाई बहन, ये बहन ये भाई बहन, ब्रदर सिस्टर ठीक है। दादा दादी पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर। इतना आपको समझ में आ गया? आज आपके इसी में मैंने ऑनलाइन में भी आपको सेम होमवर्क दिए थे, आपको नाना नानी दादा दादी ये चारों का नाम मम्मी से आपको याद करना है, और ये बॉडी पार्ट्स का भी नाम आपको, ये फोरहेड वगैरह बोलने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा, आपसे जो आईस ईयर्स नोज माउथ टीथ टंग हैंड्स लेग्स हेयर वगैरह आपको बोल सकते हैं ना सरल से, वो वाला आपको पक्का याद करना है ठीक है। ये दोनों पिक्चर में देखिए आप, इसमें जो सरल आपको लगता है उसमें से आपको माय बॉडी मतलब बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स आपको याद करना है इसी में से। फिर से आपका होमवर्क है ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी नाना नानी, ये चारों का नाम आपको याद करना है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, और बॉडी पार्ट्स फेस में क्या क्या होता है और पूरा बॉडी में क्या क्या होता है, ये दोनों आपका होमवर्क है। आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपकी फैमिली में कौन कौन है और बॉडी पार्ट्स, ये दोनों आपको आज का वीडियो में पक्का याद करना है। ओके थैंक यू चिल्ड्रन।